क्या कोई माँ इतनी लालची हो सकती है कि अपनी ही बेटी को कहे कि पति को छोड़ो, धंधे में उतरो। यूपी के शामली की इस स्टोरी में बेशुमार दर्द छिपा है, आप सुनेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। माँ मुझे मजबूर मत करो। मैं उस नर्क नहीं जाना चाहती। माँ मेरे भी सपने हैं, उन्हें मत तोड़ो। माँ जो मुझसे और चाची गलत काम कराती थी, कोई मतलब माँ अपनी बेटी से, कोई चाची अपनी भतीजों से गलत ना काम कराए। माँ मेरा घर बस गया है, बस जाने दो। एक बेटी ने अपनी माँ से कुछ यही गुहार लगाई थी, लेकिन लालची माँ ने बेटी का जीना दुश्वार कर दिया, उसके पति पर जानलेवा हमला करा दिया। नर्क में नहीं जाना चाहती, और जो मेरे मतलब पति हैं, उनकी जान पे हमला 3 दफा हो चुका, उनकी जान पे हमला, इसलिए मेरे माँ बाप पे और चाचा चाचियों पे सब पे सख्ती की जाए पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा। यूपी के शामली की इस लड़की हीना के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसकी माँ उसके पीछे पड़ गई। पीड़ित लड़की हीना का परिवार उसे शरीर बेचने पर मजबूर कर रहा है, उस पर दबाव बना रहा है कि वो जिस्म बेचने के दलदल में फिर से उतर जाए। मतलब मेरी मम्मी मुझे वैश्या के गलत काम कराती थी, इसलिए मैंने तंग आके इनसे वो किया। पहले तो इनसे मुलाकात कराई थी, मेरी खाला और मम्मी जो हैं दोनों कराती थी। दरअसल छोटी उम्र में ही हीना की माँ ने इसे जिस्म फरोशी के कारोबार में उतार दिया। परिवार के लिए कई बार बिकी हीना, लेकिन इस बार वो खुद के लिए जीना चाहती है। करीब 1 साल पहले इसकी जिंदगी में साजिद आया। साजिद भी एक खरीदार था, लेकिन उसका दिल हीना पर आ गया और फिर दोनों ने पिछले महीने भागकर निकाह कर लिया। मारपीट करी, मारपीट के फिर हमला कर लिया, के फिर हमारे पास बागों में गेतिंगे आदमी छोड़ रखे, जाओ देखो ना पिटो मारो। हीना की माँ और चाची ने उस पर दबाव बनाया कि वो अपने पति को छोड़ दे और वापस उसी दलदल में लौट आए जिसमें वो पिछले 10 सालों से तिल तिल कर घुट रही थी।